सदर उठाने में उनके साथ सबसे बड़ा लीडर ना कोई मुझसे पिछली बार भी तुमने बक्सा उठाते हुए उसे गिराया था, मेरा कितना नुकसान हुआ था। ऐसा थोड़ा ध्यान से आराम से सारा सवाल उठाओ और अंदर गोदाम तक पहुँच जाओ। हट जाओ, अंदर जाऊंगी। उस्मान साहब का हुक्म तुम जानती हो आयगल। उस्मान साहब के हुक्म के खिलाफ वर्जी करने वाली मैं आखिरी इंसान होंगी। मैंने उनसे कुछ बातें कहनी है। मुख्तसर बात करना। हर चीज आप दोनों एक साथ ही करते थे ना। जिस दिन से बाबा काई सरदार नहीं बने उस दिन से गद्दारी शुरू कर दी ना। गद्दारी करने वाले तुम्हारे बाबा हैं, मैं नहीं हूँ। सुलेमान शाह के बेटे दुनदार साहब, मतलब के तुम्हारे बाबा जो एक काई सरदार हैं। मैं तो चुबानुलार से हूँ आयकुल, मैं गद्दार नहीं हूँ। आपने इस कबीले को कभी अपना कबीला नहीं समझा। मेरे बाबा को गद्दारी की तरफ रागिब करने वाली आप ही हैं। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि वो एक बहादुर जंगजू मर्द बने, लेकिन वो खुद नहीं बल्कि उसकी बेटी जंगजू मर्द बन गई। मेरी माँ का इंतकाम करीब आ रहा है गजल खातून। हिसाब चुकता हुआ ये सोचना भी मत। अच्छा तो तुम्हें किसका इंतजार है? अपना इंतकाम ले लो ना तुम। उस्मान साहब को दुआ देना। अगर उनका हुक्म ना होता तो अब तक सर धड़ से अलग होता। गजल खातून। जिस तरह मैंने तुम्हारी माँ का गला काटा था उस तरह मैं तुम्हारा गला नहीं काट पाई। आई गुल, मुझे इसका दुख है।